बी अ सीकर, समझो, सीखो, जानो, पढ़ो, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जीवन किस लिए है, ये सब समझो, करो, फिर चुनाव करना करने का। हमको किसी ने अकल दी नहीं, पर आपके अंदर इतनी ईमानदारी नहीं होगी इसलिए आप ये बात कह नहीं सकोगे। इसलिए अगर कोई बच्चा थोड़ी सी भी अकल करने लग जाए तो उसके 100-150 रिश्तेदार मिलके उसे घेर लेंगे और घेर के कहेंगे, बेवकूफ मत बन, हमें देख, क्या देखो, एक अकलमंद ने कहा, बोले वही तो देख देख सीख रहा हूं कि 100 बेवकूफों ने क्या बेवकूफी करी, मैं वो नहीं करूंगा। यही तो देख रहा हूं, क्योंकि अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में माँ बाप आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं, क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं, कैसे इच्छाओं के पीछे मरते हैं, कैसे रिश्तेदारों को ठगने की स्कीम बनाते हैं, कैसे दादा की वसीयत हमारे नाम हो जाए इसकी कोशिशें करते हैं, कैसे झूठ सच बोलते हैं, बच्चा ये सब ड्रामे देखता है और आप कहते हो हमारे जैसे बन जा। कहना ये चाहिए, हमारे जैसे मत बनना। But a lie spoken million times becomes a truth. And at least I can say, these lies which you are hearing are being spoken for tens of billions of time, because that is what the population of this earth is today. Seek world, seek world, seek world. Get a girl, get a car, get a house. Seek world, seek world. So everybody is saying you are doing it. मेजॉरिटी यही गाना गा रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि जीवन के अर्थ को पहले समझ लो, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लो, उसके बाद करते रहो जो करना है। बेवकूफी करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी। अकलमंदी बेटा अभी अभी कर ले, अभी तेरी दिमाग ज्यादा खराब नहीं हुई हमारी तरह। अब बच्चे के मन में कितनी वृत्तियां उठेंगी सोचो, न ज्यादा दुश्मनी उसकी किसी से, न ज्यादा दोस्ती उसकी किसी से, ना अभी लड़की का चक्कर है, ना अभी लड़के का चक्कर है, ना पैसे का चक्कर है, ना जायदाद का चक्कर है, ना ईर्ष्या है, ना कंपटीशन है। हाउ प्योर द माइंड इज। वो रोटी खा लेता है, दूध पी लेता है, थोड़ा खेल लेता है, थोड़ा पढ़ लेता है, वो इतने में ही खुश है। दैट इज द टाइम टू ट्रेन द चाइल्ड, to expose the child to these higher ideas. अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये हमारी हार है। तो मैं ये समझती हूँ ये समाज की मिली जुली हार है, जिसका ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि जहाँ देखिए हिंसा, जहाँ देखिए क्रोध, जहाँ देखिए लड़ाई, जहाँ देखिए एक्साइटमेंट। तो कई बार कहती हूँ कि कोई बोलता है, कार्ड लाते हैं शादी के, हमारी शादी है, उन्हें बड़ी खुशी हो रही है। कहते जी ये चेक आश्रम में सेवा कार्यों के लिए दे रहे, हमारे बच्चे की शादी है, मैं बड़ी खुशी है, दीजिए जी। हम आश्रम वालों को भोजन सबको कराना चाह रहे हैं, मैं बड़ी खुशी है, आइए दीजिए। हो गया, साल बाद पता चला छूट गया, 6 महीने बाद फिर आ गए, बड़े बच्चे की शादी है, आशीर्वाद। मम्मा बिल्कुल जरूर करिए, या हमें चेक देना चाह रहे, हाँ जरूर दीजिए। सबको भोजन देना चाह रहे, हाँ बिल्कुल दीजिए। वाई शुड आई से नो, इट सूट्स मी वेरी वेल। तीन तीन तो करना ही चाहिए, इसी चक्कर में हमारा हॉल बन जाएगा। Why should I say no? जिनको समझाना चाहिए वो माँ पिता ने समझाया नहीं, जिन बहन भाइयों को समझाना चाहिए था उन्होंने समझाया नहीं,
जिन दोस्तों मित्रों सहेलियों को समझाना चाहिए था उन्होंने समझाया नहीं, आपको दुनिया देख के समझ आई नहीं, और मुझे सुन के कहाँ से अकल आ जाएगी? जिसके कान बंद हैं अज्ञानता से, ममत्व से, उनके कान में शब्द तो जाता है लेकिन उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं जाता है। ज्ञान अर्जित करे पहले, योग साध ले पहले, उसके बाद जो चाहे करो। कर्दम ऋषि देखिए, पहले तपस्या करी, पहले घोर तपस्या करी, सब दर्शन शास्त्र पढ़े, ज्ञान विवेक वैराग्य की संपत्तियों को प्राप्त किया पहले, और देवहूति जी से शादी करी बाद, और ऋषि जैसी संतान को जन्म दिया है बाद में, पहले अपना काम किया। याज्ञवल्क्य हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र थोड़ी देर में आए, वो राजा थे, विवाहित थे, सब था, फिर एक हो गई कि सब तो है मेरे पास पर वशिष्ठ जैसी शांति नहीं है, मैं भी ऋषि बनूंगा, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो वो ऋषि एक महत्वाकांक्षा से बनने आए थे। ही गॉट जेलस ऑफ वशिष्ठ, हाउ कम ही इज ग्रेटर देन मी, वाई कांट आई टू बी ग्रेटर, आई टू हैव टू बी कम। कारण उनका बहुत अच्छा नहीं लेकिन तपस्या करते 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 पहले राज ऋषि हुए। राज ऋषि हुए मतलब वशिष्ठ जी जब मिले तो वो कहते थे, आइए राज ऋषि विश्वामित्र, सारे विश्व के मित्र हो गए, इसलिए ये भी एक संज्ञा है, ये उनका नाम नहीं है, सारे विश्व का तो मित्र हो गया। और चूंकि पहले राजा थे और अब ऋषि हैं तो इसलिए राज ऋषि। तो अंदर अंदर जलते थे कि मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं बोलता, मुझे राज ऋषि क्यों कह रहा है, खुद ब्रह्म ऋषि मुझे राज ऋषि, मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूं। बड़ी लड़ाई करते रहे हो, बड़ी लड़ाई करते रहे वशिष्ठ जी के साथ, इतनी लड़ाई करते रहे हैं कि कहते हैं कि एक समय में उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे और 100 के 100 पुत्रों की एक एक करके उन्होंने हत्या कर दी थी गुस्से में आकर के, क्योंकि ब्रह्म ऋषि है ना तो उसे क्रोध नहीं आना चाहिए, उसे ममता नहीं है, तो पहले एक मारा, अब देखता हूं आया कि नहीं आया क्रोध, कोई नहीं आया, दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, चौथा, सारे पुत्र मार दिए उनके। वशिष्ठ जी फिर भी ना क्रोधित हो रहे हैं, ना गुस्से में आ रहे हैं, ना कह रहे हैं कि क्यों किया, ना लड़ रहे हैं, ना कुछ। अब तो बड़ी तकलीफ हो गई, अब ये हो गया कि वो बैठ के तो एक जगह रोने लग गए, रोने लग गए, इतना रोए, इतना रोए, कह रहे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने ठीक नहीं किया, मैंने ऐसे महात्मा को इतना दुख दे दिया और इस महात्मा की मनस्थिति कैसी अच्छी कि वो फिर भी मेरे से क्रोध नहीं करते हैं, फिर भी मेरे से गुस्सा नहीं करते हैं, और जब वो पछतावे में इस तरह रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे, तो इतने में आवाज आई, ये ब्रह्म ऋषि उठिए। पलट के देखा तो वशिष्ठ जी खड़े, तो विश्वामित्र जी ने चरण पकड़ लिए और कहा कि ऋषिवर, आपके मुख से ब्रह्म ऋषि भर सुनने की मेरी ख्वाहिश थी और आप बोले नहीं और मैंने क्रोध में आके ये कर दिया। इसे हम योग दर्शन में जो विश्वामित्र जी ने अनुभव करा था ना, उस भावनात्मक स्थिति को हम द्वेष नहीं कह सकते। क्या कहते हैं उसके लिए एक शब्द दिया है, असूया। असूया माने जब आप किसी गुणवान व्यक्ति से उसके गुणों के कारण उससे क्रोधित होने लग जाए, माने इसलिए क्रोध हो रहे कि इसमें गुण क्यों है,
उस क्रोध से उत्पन्न द्वेष, तो माने क्रोध और द्वेष जो किसी गुणवान व्यक्ति के प्रति आवे उसे असूया कहते। फिर ऐसा भी देखने में आया कि जैसे विश्वामित्र ने हत्या तक कर दी, मैंने इतना कठोर कर्म भी कोई कर सकता, उन्होंने किया। और इतना करने के बाद भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के चित्त में कोई क्षोभ नहीं हुआ। बोले उनका प्रारब्ध होगा तेरे हाथ से मरना, इसलिए मर गए। उनके प्रारब्ध में मरना ना होता तो उन्हें कोई मार नहीं सकता था। तो ये तुम्हारा और उनका कुछ प्रारब्ध का लेन देन होगा, विश्वामित्र मैं तुमसे क्रोधित क्यों हूं? इट इज द मोस्ट, इवन इफ यू से 100 sons, हाउ इज इट पॉसिबल? 10 कर लो, 20 कर लो, तुम्हें जितने हजम हो उतने कर लो। बट द थिंग इज, समबडी किल्स योर सन और सन्स एंड यू स्टिल डोंट हैव एनी हेट्रेड और एंगर और animosity for that person means something, isn't it? It means a big thing. Vashishth ke andar wahi tha. Par jab Vishwamitra ji ko ye ehsaas hua aur wo paschataap mein rudan karte rahe, rote rahe, rote rahe, rote rote rote, chitta unka nirmal ho gaya. Ab hai to rishi na. और जहां उनका चित्त निर्मल हुआ तो वशिष्ठ जी उन्हें ब्रह्म ऋषि संबोधन करते। विश्वामित्र कहते, नहीं आप मुझे ब्रह्म ऋषि मत कहिए, मैं तो राज ऋषि कहलाने योग्य भी नहीं हूं। वशिष्ठ कहते, ना वो बीत गया समय, कोई आवश्यकता नहीं। आपके चित्त में जो मेरे लिए असूया थी, उस असूया ने और मेरे पुत्रों और आपका कुछ आपस का प्रारब्ध का लेन देन होगा कि वो मरे हैं और आपके हाथ से मरे हैं, तो उनका तो कल्याण होना ही है। मुझे कोई संशय नहीं इस विषय में। जीव का जितना प्रारब्ध होगा वो उतना ही समय जीता है, जाने का कारण तय होता है, इसलिए कोई किसी के जीवन को यूं तो नष्ट कर ही नहीं सकता। तो उसका आपका कुछ संयोग था, और जितना जितना ऐसा करुणा का बोल वशिष्ठ जी बोलते जाते हैं, विश्वामित्र के चित्त में एक सात्विकी परिवर्तन, पे परिवर्तन, पे परिवर्तन। और याद रहे ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने गायत्री को सिद्ध किया था। गायत्री मंत्र देन विश्वामित्र की है, इसका दर्शन कहते उन्हें हुआ। वो क्या होता है एक अलग विषय है, किसी अन्य समय पर कहूंगी, लेकिन गायत्री के प्रणेता, गायत्री के दर्शन शास्त्री ऋषि विश्वामित्र है। इतनी स्थिति गहरी कैसे हो सकती है, ये भी चित्त का खेल है। जो चित्त तुमसे मूढ़ता और क्षिप्ताओं को कराता है, वही चित्त तुमसे सात्विकी कर्म कराता है। मुदिता किसमें आएगी? मुदिता चित्त में आती। उपेक्षा कहाँ आती? उपेक्षा चित्त में आती। मैत्री कहाँ आएगी? भी चित्त में आएगी। बुरे से बुरा चित्त में, अच्छे से अच्छा चित्त में, सत्वगुणी से सत्वगुणी चित्त में। सो जैसा हमारा चित्त होगा वैसी हमारी चित्त की स्थिति होगी। अगर क्लिष्ट वृत्तियां होंगी तो दुख है, पीड़ा है, शोक है, रोग है। और अगर चित्त में आक्लिष्ट वृत्तियां हैं तब चित्त में मैत्री है, मुदिता है, शांति है, सात्विकता है, सुख है, आनंद है। तो हमारे
जीवन के सब राग रंग हमारे चित्त से निकलते हैं। तो हम ये भी फिर कह सकते हैं कोई मनुष्य बुरा नहीं होता है, उसका चित्त बुरा होता है। कोई मनुष्य महान नहीं होता है, उसका चित्त महान होता है। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू ट्रेन योर माइंड, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशंस यू पुट इन योर माइंड, दोज इंप्रेशंस विल बिकम योर चित्ता एंड द पॉजिटिव ऑफ दीज इंप्रेशंस विल बिकम अ थॉट। सो आपके मन में कैसे विचार उठते हैं, संसार के उठते हैं तो इसका माने संसार के इंप्रेशन रखे हैं अपने अंदर। सपने आ रहे हैं कि मुझे स्पोर्ट्स कार मिल गई है और मैं चला रहा हूं उसको, दैट मीन्स चित्त में इंप्रेशन स्पोर्ट्स कार के, सुंदर लड़कियों के है। अब आप अखबार, मैगजीन, इंटरनेट, टेलीविजन में ये सब पढ़ते रहते हो। सो दोज हु बिकम फेमस बिकम रिच, दोज हु बिकम रिच बिकम फेमस, सो लेट्स बिकम रिच टू बिकम फेमस। नाउ दिस इज द ट्रेनिंग विच यू गिव टू योर माइंड। स्कूल सिखाते हैं बड़े होके क्या बनोगे, बड़ा काम करना, क्या करोगे। एक टाइम होता था लोग के बच्चे लिखते थे तुम्हारा आदर्श कौन है, वो कहते थे महात्मा गांधी आदर्श है। पुरानी बात कर रही हूँ मैं। कोई कहता था मेरा आदर्श जो है वो फला व्यक्ति है, सुभाष चंद्र बोस है। कोई कहता मेरा आदर्श ये है। आज आप किसी बच्चे से पूछिए वो कहेगा मेरा आदर्श कोई फिल्म एक्टर का नाम ले देगा या वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम ले देगा। मेरा ये आदर्श है। क्यों? अमीर है, प्रसिद्ध है, सबको वही चाहिए, अमीरी प्रसिद्धि। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग आर यू गिविंग टू योर चिल्ड्रन? बड़े खुश होते। मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग करने के बाद 20 लाख रुपए पर ईयर का पैकेट मिला है। सब रिश्तेदार अरे वाह 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 किस्मत खुल गई है, मेरे लड़के को अमेरिका में नौकरी मिल गई, अरे वाह 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 अब तो अमरीके घूमोगे। मैं वहां काम करते हुए कई लोगों को मिलती हूं, आते वो भी उसी जोश से है, आधे वहां के काम के बोझ से दुखी हो जाते, टू मच वर्क, नौकर नहीं, सब काम खुद करो, टैक्सेस ज्यादा है, और वहां लग्जरी और बड़ी दिखती है, तो यहां तो सपने इतने ही थे, वहां जाके और बड़े हो जाते, तो अगर यहां डिप्रेशन इतना था तो वहां जाके और बड़ा हो जाता।